संभाग में दो दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते भेड़ाघाट का धुआंधार पूरी तरह से विलुप्त हो गया है। जहां कभी धुआंधार हुआ करता था, आज वहां पर सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। दरअसल बीच बरगी बांध के द्वार भी खोले गए हैं, जिसके चलते भेड़ाघाट का धुआंधार पूरी तरह से विलुप्त हो गया है। ऐसे में धुआंधार देखने आने वाले पर्यटकों को भी खासा निराश का होना पड़ रहा है। भारी बारिश होने के बाद से ही भेड़ाघाट पर्यटन स्थल पर पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लग जाया जाता है, पर इस बार बारिश होने के बाद भी जिला प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। भेड़ाघाट के धुआंधार को पर्यटन के लिए बंद कर दिया जाता है। ऐसे में अभी भी जान जोखिम में डालकर लोग धुआंधार देखने जा रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि एक छोटी सी लापरवाही से बड़ी घटना धुआंधार में हो सकती है। पहले भी आ चुका हूँ, बट काफी समय बाद दोबारा आके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे पूरी फैमिली के साथ आया हूँ और काफी एंजॉय हुआ। जैसे धुआंधार एक नाम था, लेकिन अभी लहरों के कारण वो धुआं नहीं दिख रहा और गायब हो गया, तो कैसा फील हो रहा है? थोड़ा सा ये डिसअपॉइंटमेंट जैसा फील हो रहा है कि जो हमें सेटिस्फेक्शन धुआंधार जो नाम पड़ा था, क्योंकि बारिश का सीजन है और बारिश की वजह से बहुत अच्छा धुआं का इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, बट ओवरऑल ठीक है। हाँ, जब मैं सेवन्थ क्लास में थी तभी से अपनी इसी पढ़ाई की थी, बहुत मन था, बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन अभी ओवरऑल ठीक है। मतलब कहा जा सकता है अभी तो प्रकृति अपने अकॉर्डिंग चलती है, इससे हम लोगों का कोई बस नहीं, लेकिन फिर भी ओवरऑल मजा आ रहा है। फील करने की बात, अगर फील करो तो मजा आएगा, नहीं तो डिसअपॉइंटेड हो। लेकिन